हेलो गाइस, दिस इज़ रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में BEd के बारे में भी बात करेंगे और BEd से रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी देखेंगे। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को फुल और लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना इसी तरीके से CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं MDS कोर्स के बारे में। सेल्फ फाइनेंस माध्यम से जो आप लोगों के MDS कोर्स चलाए जाते हैं उसके फर्स्ट और थर्ड ईयर के मेन और सप्लीमेंट्री एग्जाम आपके 20 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जाम सेंटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और ये एग्जाम सेंटर लिस्ट आप टीचिंग और लर्निंग के इंस्टा एंड फेसबुक के पेज पर चेक कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट गाइस BA BSc BCom से रिलेटेड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आप लोगों के BA BSc BCom के कोर्सेज हैं उनके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म आप लोगों के फिल कराए जा रहे हैं, जिसके लिए लास्ट डेट 25 जून है। तो टाइम रहते आप सभी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को जरूर फिल कर दें। नेक्स्ट अपडेट गाइस PG कोर्सेज से रिलेटेड है। सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से आप लोगों के जो PG कोर्सेज चलाए जाते हैं उनके इवेंट सेमेस्टर यानी कि सेकेंड, फोर्थ, सिक्स इस तरीके के जो सेमेस्टर हैं उनके एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस BEd के बारे में। तो देखिए, BEd के एग्ज़ाम 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, हम सभी जानते हैं। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट भी जारी कर दी है। ये एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट मैंने टीचिंग और लर्निंग के इंस्टा एंड फेसबुक के पेज पर अपलोड कर दी है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और देखिए, प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये न्यूज़ आ रही है कि प्रैक्टिकल आप लोगों के इस बार जल्दी कराए जाएंगे। पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम होने के एक महीने के बाद प्रैक्टिकल कराए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार प्रैक्टिकल जल्द ही कराए जाएंगे जिससे कि रिजल्ट टाइम से आपका जारी किया जा सके। तो मुझे लगता है कि इस बार प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम के बीच में कुछ 1 वीक का डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। और अभी से यूनिवर्सिटी ने जो BEd के कॉलेज हैं उनसे टीचर्स के लिस्ट और एक्सपीरियंस वगैरह मतलब पूरा डेटा मांगना शुरू कर दिया है प्रैक्टिकल के लिए, जिससे कि फिर ये डिसाइड किया जा सके कि किस टीचर को YV के लिए एज अ एग्जामिनर बनाकर भेजना है। ठीक है, तो इस बार प्रैक्टिकल आपके जल्द ही कराए जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम के बाद तुरंत अपने प्रैक्टिकल की तैयारी में लग जाइएगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन के, BEd से रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि YV में साड़ी पहनना कंपलसरी होता है। बिल्कुल, YV में साड़ी पहनना कंपलसरी होता है। और अगर किसी की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है और बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब कि वो साड़ी पहन ही नहीं सकती हैं, तो फिर आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, वो अपने हैंड पे परमिशन दे देंगी, तो आपको फिर साड़ी पहनना कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है, मतलब जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तभी उनको ऐसी परमिशन दी जाती है, अदरवाइज साड़ी तो पहनना कंपलसरी ही है। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड कॉलेज से मिलेंगे या फिर ऑनलाइन आएंगे। तो देखिए, एडमिट कार्ड जो आपके हैं वो ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे, आपको उसका प्रिंटआउट कराना है और फिर अपने कॉलेज में जाकर कॉलेज की उस पर मोहर लगवानी है और अपने प्रिंसिपल के उस पर साइन कराना है। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए अपडेट थी और ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जिनका आंसर यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर लेकर आऊँगी कि BEd में आप अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आज शाम को या कल सुबह आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अब आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अब आपसे मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।